हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने चैनल रानी अनिल शुक्ला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, अंश जा रहे हैं स्कूल, रेडी हो गए हैं, बस ये निकलने ही वाले हैं। अंश जैसे ही स्कूल गए थे, बाकी मेरा सारा काम तो हो ही गया था। मैंने बस यहाँ पर रेडी नहीं होती क्योंकि इतने जल्दी साड़ी पहनना, तैयार होना हो नहीं पाता, तो मैं बाद में आराम से तैयार हो रही हूँ। और आज है हनुमान जन्मोत्सव, तो आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज पूर्णिमा भी है, तो मैं आज पूर्णिमा की कथा करूँगी। व्रत तो अभी नहीं रखती हूँ, तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ। फिर मंदिर जाएंगे, फिर आरती पूजा करेंगे। यहाँ पर मैं मंदिर में आ गई हूँ, तो ये मैं सामान दिखा रही हूँ आपको। ये आज हनुमान जन्मोत्सव है, तो उसी की तैयारियाँ चल रही थी। ये सारे फूल और ये आम के पत्ते, सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और मंदिर में अभी पेंट हुआ है, कल ही पेंट हुआ है, रात में धुलाई हुई थी तो इसलिए रात में। और बाकी की सारी तैयारियाँ भी दिन में हो जाएंगी क्योंकि 12-1 बजे के बाद ही हवन होगा, तो जब तक हो जाएगा आराम से। और यहाँ पर मैं मंदिर में जल चढ़ाने के बाद घर आ गई थी, तो मैं कथा की तैयारी कर रही हूँ। चौक लगा लिया है मैंने, कलश रख दिया है। कलश में मैंने थोड़े से चावल, हल्दी और पैसे डाले हैं। और ये जो बॉटल है, इसमें नर्मदा जल है, तो मैं थोड़ा सा नर्मदा जल भी ऐड कर लेती हूँ। विष्णु भगवान की पूजन में हमेशा हल्दी लगाते हैं, तो थोड़ी सी मैंने हल्दी कलश में भी डाली। और यहाँ पर मैं भगवान को लगाने के लिए भी रख लेती हूँ। और दीपक जलाने के लिए यहाँ पर मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। ये भगवान के लिए यूज करते हैं, बाकी हम खाने में इसका यूज़ नहीं करते हैं। और यहाँ हवन के लिए मैंने कंडा रख दिया और क्या कढ़ाई रख दिया, उसमें घी गर्म करने के लिए रखा। घी गर्म हो गया तो मैंने उसमें आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा आटा था, ज़्यादा भी बना सकते हैं लेकिन मैंने जितना ख़त्म हो जाए उतना ही प्रसाद बनाया। आटा अच्छा से भुन गया, तो फिर जब ठंडा हो गया तो उसमें मैंने चीनी मिला दी है प्रसाद के लिए। और ये देखिए प्रसाद बनकर तैयार हो गया। पहले मैंने पूजन की तैयारी कर ली थी, मंदिर से आई तो फिर भाभी आ गई थी सामने से, तो थोड़ा देर हो गई, टाइम हो गया है 10:30 बजे। नाश्ता भी नहीं किया। वैसे मैं पूर्णिमा की कथा हर पूर्णिमा पे करती थी, लेकिन जब से एक्सीडेंट हुआ है तो कथा की नहीं। तो इस बार मेरा व्रत तो अभी नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं कथा कर लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता करूँगी, क्योंकि व्रत अभी नहीं रखती हूँ मैं। सारी कथा की, यहाँ मैंने सारा सामान रख लिया। यहाँ हवन हवन जला के रख लिया है, कंडा जला के रख लिया है कंडी। और ये देखिए धन और मेरे पुत्रों को नष्ट करने वाले सत्य देवी, इसलिए मैं वही कहूँगा जाऊँ मैं वही जाऊँगा जहाँ पर उनका पूजन होगा। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोले सत्यनारायण भगवान की, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, हनुमान लला की जय, अपने अपने कुलदेवी मैया की जय, कुल देवता की जय, ग्राम देवता की जय, इष्ट देवता की जय, अग्नि देवता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ये देखिए पूजन हो गई है, मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। ये देखिए नाश्ता करूंगी, फिर मंदिर जाऊंगी माला बनवाने के लिए, और वहीं से फिर अंश को लेकर आऊंगी। देखती हूँ घर आती हूँ फिर पहले ना। ये रहा मेरा नाश्ता, ले आई हूँ जूस, लौकी की सब्जी और ये चुकंदर के पराठे बनाए। अभी मैं नाश्ता करके फ्री हुई हूँ और टाइम हो रहा है 11:30 बज गए। पूजन थोड़ी सी क्या कथा करने में टाइम लगता है, और थोड़ा सा लेट भी हो गई थी, मैं मंदिर गई थी और अभी 11:30 बज गए हैं। अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, माला बनवाऊंगी और भाभी। सभी माला बनाने के लिए आ गए हैं, तैयारी करवाने के लिए। ये देखिए सभी माला बना रहा है, मैंने भी माला बनाई। अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है, अंश को 2 घंटे बाद लेने के लिए जाना है, जब तक मैं आराम से यहाँ तैयारी करवा लूँगी। और मैं आपको मंदिर दिखा देती हूँ एक बार दर्शन के लिए। जो बहुत ही सुंदर सजाया था, बहुत अच्छा, और पेंट हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है। से जखन हारो कच्छ नहीं सेंगे पो।
अभी मैं आ गई हूँ क्योंकि मुझे अंशु को लेने के लिए जाना है। तो अंशु स्कूल का टाइम हो गया, उसकी छुट्टी होने ही वाली होगी। और मैं लेकर नहीं गई थी, गाड़ी लेकर नहीं गई थी, पैदल ही गई थी। तो मैं घर आई हूँ, हेलमेट नहीं लिया था, तो हेलमेट लगाने के लिए। और जब से एक्सीडेंट हुआ है बिना हेलमेट के मैं नहीं जाती हूँ। अभी एक दिन गई थी पास में, नहीं तो अब नहीं जाती हूँ इतनी दूर। गर्मी कितनी देखे हेलमेट में, पूरा पसीना पसीना हो गया। तो मेरे बाजू वाले कर रहे थे। तो ये क्यों लेकर आए हो? अरे उसने प्लान कर देना। गधा क्या कर रहे हो? अंश को नहलाऊंगी, ऐसे दिन भर निकल जाता है। अभी मंदिर वापस से जाना है तो अंश को नहला, अंश नहाएंगे जब तक के थाली वाली लगाती हूँ। खाना तो मैंने सुबह ही बना दिया था। पकड़ लो आप लोग भी, सब एक दूसरे में टक्कर। पकड़ लो सब लोग। ओम देव हो नाम निरंतर जगो गणान दे पृथ्वी। अंश को स्कूल से लाकर फिर मैं मंदिर आ रही थी वापस। देखिए पूजन हो गई है, आरती हो गई है, हवन चढ़ा है, माला बनाने के साथ। ये देखिए मंदिर को सजाया था, ये दुर्गा जी के स्थान है तो यहाँ पर भी सजाया था। और भोले बाबा के यहाँ पर दिखाती हूँ, ये देखिए भगवान जी भोले बाबा पगड़ी पहने हुए हैं। तो क्योंकि उस टाइम मुझे जल्दी था, अंश के स्कूल का टाइम हो गया था, इसलिए मैं फटाफट से निकल गई थी, दिखा नहीं पाई थी। तो मैंने सोचा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपके कैसा लगा ब्लॉग। अभी जस्ट घर आई हूँ, 2:30 बज गए हैं। क्या बना रहे बता? हनुमान जी। देखो अंश हनुमान जी बना रहे हैं। आजकल अंश को ड्राइंग का बहुत शौक लग गया है। अगर ये ड्राइंग बनाते हैं तो मैं इनको पार्क ले जाती हूँ, इस चक्कर में ये देखिए साथ ये बना के ड्राइंग बना रहे हैं। दिख रहा हाँ टटा है, तब दिखाऊंगी जब तक आराम कर लेते हैं थोड़ा सा। अंश ने मुझे लेटने नहीं दिया, वीडियो दिखाओ। स्कूल से आए हैं, इसी में लगे हैं। ये देखिए हनुमान जी का स्केच करते करते अंश के इतने सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो गए थे कि क्या हनुमान जी राम जी से छोटे हैं या बड़े हैं, हनुमान जी कौन है, हनुमान जी ने सूरज को अपने मुंह में क्यों लिया था। ऐसे ही आपके बच्चे भी क्या क्वेश्चन पूछते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहीं पर मैं आज अपने ब्लॉग एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए।